आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका बताऊंगा और ये भी साथ में बताऊंगा कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे आपको टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है या फिर फैक्ट्री रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको जो है ना नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें आपको आखिरी बार ये इरेज डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, रेड वाला। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन को इजिली फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, चार बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने फोन का जो सिम कार्ड होता है मोबाइल से बाहर निकाल के रख लेना है। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में कोई भी मेमोरी कार्ड अगर आपने लगा रखा है ना, तो मेमोरी कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के रख लेना है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, वो सारे के सारे डेटा का अपना बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। ठीक है ना, और बैकअप लेने का फायदा क्या होता है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जो जीमेल आईडी होती है ना, जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो चार काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप लेने का फायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप अपने फोन का ये चार काम जो मैंने बताए, ये सारे के सारे आप चार काम फैक्ट्री रीसेट करने से पहले कर लेंगे ना, फिर इसके बाद जब आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो आपके मोबाइल फोन के अंदर का जितना भी डेटा होता है ना, सारा का सारा डिलीट हो जाता है। आपका फोन अंदर से एकदम नया हो जाता है, अंदर से एकदम खाली हो जाता है। ठीक है, तो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद जब आप अपने फोन में पहले वाली जीमेल आईडी को जब दोबारा से लॉगिन करते हैं ना, पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं जीमेल आईडी को, तो आपके मोबाइल फोन में जितना भी जो डेटा डिलीट हो गया था ना, सारा का सारा वापस आ जाता है। तो बैकअप लेने का फायदा ये हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में आपको यहाँ पे बातें समझा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली आप इस तरीके से अपने फोन को इजिली फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है।